जो आईफोन का ये जो फ्रंट स्लिप हटाने वाला चीज़ है, ये मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ अपने लाइफ में। सो हियर इट इज, दिस इज द आईफोन। तो अभी दोस्तों मैं जस्ट इस फोन का सारा कैमरा वगैरह, तो गाइस जैसा कि आप सभी देख सकते हो, ये वीडियो मैं अपने न्यू डिवाइस आईफोन 11 से शूट। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नेशनल एक्सप्लोरर में। और आज वाकई में मेरे चेहरे पे हैप्पीनेस दिख रही होगी आपको, क्योंकि आज मेरा फाइनली वो पार्सल जो मैंने ऑर्डर किया था वो आ चुका है। तो अभी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और दिखाते हैं इसके अंदर में क्या है, क्या चीज़ें निकलने वाली हैं जो कि मेरे चेहरे पर इतनी खुशी ला रही है। चलिए दिखाते हैं। इस पैकेज को ओपन करने की सारी के सारी प्रक्रिया करी जा रही है, तो फिर उसके बाद में ही ये पैकेज मैं ओपन कर पाऊँगा। और काफ़ी अनकंडीशनली ये मेरे पास आया, मैं मुझे लगा था ये कल आ जाएगा, बट ये एक दिन पहले आ गया, तो इसकी खुशी है मेरे मन में इस चीज़ को लेकर के। तो फिलहाल अभी इसका सारा प्रोसेस हो जाए, फिर उसके बाद में इसको अनबॉक्स करते हैं और दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें निकलती हैं, क्या इसके साथ में वो चीज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जो जिसको बोलते हैं हम लोग चार्जर। चलिए, जैसा कि आप सभी देख सकते हो, जस्ट ये हमारा पैकेज जो है वो अब ओपन होने जा रहा है OBD के तहत। तो मैं व्लॉग बना रहा हूँ और व्लॉग के अंतराल मैं इसको शूट कर ले रहा हूँ थोड़ा बहुत। गाइस इसकी ओपनिंग हो चुकी है, इसके अंदर एक और पैकेजिंग है जो कि फ्लिपकार्ट की है। तो आइए देखते हैं अब इसके अंदर क्या निकलता है। जैसा कि मुझे पता है बट आप सभी के लिए सरप्राइज है। सो हियर इट इज, दिस इज माय फर्स्ट ब्रांड न्यू। क्या हुआ सर, पॉज करके रिमूव कर दे रहे हो, फिर नया वीडियो फिर शुरू कर रहे हैं सर। तो गाइस ये जस्ट अनबॉक्सिंग हो रही है हमारे ब्रांड न्यू आईफोन की, देखते हैं कैसा क्या निकलता है। उम्मीद तो है अच्छी कंडीशन में निकलेगा। आई एम जस्ट किडिंग, ये न्यू है तो जैसा न्यू होता है वैसा निकलेगा। अरे इतना सरलता से खुल जाता है ये, मैं इतना मेहनत किया, बहुत ईजिली खुलता है, काटना वाटना जरूरत नहीं पड़ती। सो हेयर इट इज, दिस इज़ द आईफोन जो कि मैंने बाय किया है। और ये कुछ इसकी स्पेसिफिक स्टैट्स हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो आईफोन का ये जो फ्रंट स्लिप हटाने वाला चीज़ है, ये मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ अपने लाइफ में, तो देखता हूँ इसका कैसा एक्सपीरियंस रहता है। एक बार कैमरा पकड़ना, ऐसे नहीं ऐसे नहीं। तो गाइस इस फर्स्ट टाइम, और आपको मैं बताना चाहता हूँ ये बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग रहता है ये चीज़ करना, काफ़ी सही लगा मुझे। और अब जो भी वीडियोस मिलने वाली है आप सभी को, ये हमारे इस न्यू आईफोन से मिलेगी। सो अभी इसको ऑन करते हैं और रीसेट करते हैं और देखते हैं कैसा क्या मिलता है हमें। दिस वीडियो शूटेड विद आईफोन 11। तो गाइस ये वीडियो मैं अपने न्यू आईफोन से शूट कर रहा हूँ, तो कमेंट्स बताना इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है। और आज का ब्लॉग पूरा का पूरा मैं इस फ़ोन से शूट करने वाला हूँ, तो देखते हैं कैसा निकल के आता है रिजल्ट। तो अभी दोस्तों मैं जस्ट इस फ़ोन का सारा कैमरा वगैरह सेटअप सारी चीज़ें देख रहा था, और काफ़ी सही मुझे इसकी सेटिंग्स वगैरह सारी चीज़ें लगी और सेटअप वगैरह कर दिया है। तो अभी आपको दिखाते हैं इसके कुछ सैम्पल शॉट्स और फिर इन्जॉय कराते हैं आज का पूरा ब्लॉग। तो गाइस जैसा कि आप सभी देख सकते हो, ये वीडियो मैं अपने न्यू डिवाइस आईफोन 11 से शूट कर रहा हूँ, और काफ़ी सही मुझे इसकी वीडियो क्वालिटी लगी सारी चीज़ें लगी, और वॉइस का काफ़ी अच्छा वर्क करता है। तो अभी कुछ मैं आपको कैमरा सैंपल्स दिखाता हूँ इस फ़ोन के, जो कि थोड़े से सिनेमैटिक व्यू में सिनेमैटिक तौर पर लूँगा, तो जज करके बताएंगे कि कैसा लगा आपको ये सारी चीज़ें। और आगे जितने भी ब्लॉग्स मैं लाऊँगा तो इसी फ़ोन से लाएंगे, और काफ़ी अमेजिंग और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आपको ब्लॉग्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। चलिए कुछ सैंपल्स निकालता हूँ और दिखाता हूँ आपको। तो गाइस आगे का जो भी कंटेंट हमारा शूट होगा वो इसी फ़ोन से शूट होगा, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा का सारा कंटेंट हमारा अच्छा लगेगा। और काफ़ी अच्छे सैंपल्स इस फ़ोन ने निकाले, कुछ सिनेमैटिक व्यूज मैंने निकाले, तो अपलोड मतलब डालूंगा इस ब्लॉग के अंदर में। और मिलता हूँ फिर बाहर निकलता हूँ, कुछ चीज़ें दिखाता हूँ आपको इस कैमरा के, कुछ और सैंपल्स दिखाता हूँ। आप सब देख सकते हो ये है बाहर का, मैं व्यू आपको कुछ दिखाता हूँ आउटडोर, तो ऐसा कुछ व्यू आ रहा है सारी चीज़ों का।
और ये देखो मेरे प्लांट्स वगैरह, जबकि काफ़ी नेचुरल कलर आ रहे हैं भाई। न्यू फ़ोन के काफ़ी सही मुझे कैमरा सैंपल सारी चीज़ें लगी। तो अभी नाइट में हम शूट करेंगे, मतलब अभी शाम टाइम में मैं जिम जाऊँगा तो वहाँ पर भी कुछ क्लिप्स वगैरह बना करके लाऊँगा आप सभी के लिए, तो वो भी जज करके बताना कि कैसा लगा। और आगे जितने भी ब्लॉग्स वगैरह आएंगे मेरे सारे इसी फ़ोन से आने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे कॉन्टेंट हमारा कॉन्टेंट अच्छा लगेगा। तो फिलहाल गाइज जस्ट नहा धो के अभी रेडी हो चुके हैं और अब चलते हैं अपनी शॉप पर, थोड़ा देर टाइम वहाँ पर बिताते हैं, फिर उसके बाद में शाम टाइम में निकलेंगे हनुमान मंदिर और वहाँ प्रसाद वगैरह चढ़ा करके आएंगे अपने इस न्यू डिवाइस के लिए। तो शाम में मिलते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं और अब बस निकल रहा हूँ जिम के लिए, तो जिम चलते हैं। शाम आ चुका है तो चलिए चल के स्टार्ट करते हैं अपना वर्कआउट सेशन। तो गाइस ये है सुशांत जो कि डेडलिफ्ट की तैयारी कर रहा है और डेडलिफ्ट कर रहा है और आज मैं कर रहा हूँ। इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी। तो बस दोस्तों इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और मिलते हैं आप सभी से कल एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में। तो तब तक के लिए जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बस हमारे ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखो। मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ।